नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुताबिक बिजली का बिल शून्य होना दिल्ली वासियों के लिए आम बात है। आपके सत्ता में आने से पहले तक बिजली का बिल अक्सर 10,000 रुपए तक पहुंच जाता था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि आप सरकार ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा की। इस दौरान बहुत से ऐसे काम किए जो देश में किसी अन्य सरकार ने नहीं किए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को वोट नहीं देने की भी अपील की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह आप सरकार की मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए बस यात्रा की योजनाओं को बंद कर देगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यदि आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपको यह देखना होगा कि अपने बिलों का भुगतान करें या अपने बच्चों की देखभाल करें। दिल्ली के पूर्व सीएम ने अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, बिजली का बिल शून्य होना अब दिल्ली वासियों के लिए एक आम बात है। ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं कर सकता। आपके सत्ता में आने से पहले तक बिजली का बिल अक्सर 10,000 रुपए तक पहुंच जाता था। उन्होंने लोगों से बढ़े हुए पानी के बिल माफ करने का वादा करते हुए आपको वोट देने और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, फरवरी में चुनाव होना है, मैं सत्ता में आने के बाद मार्च में इन बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ करवा दूंगा। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। बिजली सब्सिडी जारी रहेगी, वीरेंद्र सचदेवा। आप प्रमुख के आरोपों के जवाब में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव हार जाएगी। वे अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के मन में भय का माहौल बना रहे हैं। आपके आरोप का जवाब देते हुए सचदेवा ने कहा, हमने दोहराया है कि बिजली सब्सिडी न केवल जारी रहेगी बल्कि इसका लाभ मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं तक भी पहुंचेगा। हम दिल्ली के सभी निवासियों के लिए स्वच्छ जलापूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज आपकी आवाज़।